आमेस मिठटार बिरमनि सिखाप धुंस्माधियामि आमेस मिठटार बिरमनि सिखाप। यूनाइटेड किंगडम में मेरे मित्र हैं शेखर बोधकर जी, जिन्होंने जो धुन दी है टीम 22 पे, जो भगवान बुद्ध की तीसरा और पंचशील के जो गीत चलते हैं इंट्रोडक्शन में और बाद में, वो उन्हीं के द्वारा बनाए गए हैं। उनसे मेरी बात होती रहती है। उन्होंने कहा था कि यहाँ भिक्षुओं में, उपासकों में और भी लोगों में एक बड़ा भ्रम है कि बाबा साहब अंबेडकर का जो 6 दिसंबर को निर्वाण हुआ है या निर्माण हुआ है या महा निर्माण हुआ है या महापरिनिर्वाण हुआ है या बोधिसत्व महापरिनिर्वाण है, सब अलग अलग बात करते हैं। कुछ समझ में नहीं आता, क्या कहें उनको क्या ना कहें, सभी में कंफ्यूजन है। भिक्खु कुछ और कहते हैं, उपासक कुछ और कहते हैं, बाबा साहब के अनुयायी कुछ और कहते हैं। आप इसके बारे में एक वीडियो बना दीजिए। दरअसल मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं, जिसमें निप्पाण के नाम से है, निप्पाण के नाम से। तो निप्पाण और निप्पाण के बारे में मैंने बताया है, मगर मैं यहां फिर दोबारा स्पष्ट कर देता हूं। इस संदर्भ में दो चीजें क्लियर होती हैं। एक तो आप ये समझिए कि जो शब्द है, यानी जो वर्ड है, जो शब्द है, इसको निप्पाण बोलते हैं, निब्बाण बोलते हैं, निब्बाण बोलते हैं, यानी बाद में ने भी आता है और नहीं भी आता है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और नी अगर निकालते हैं तो ये खाली वाण बसता है या वान बसता है, वाण वान या वाण, वे वाला भी है और वे वाला भी है। यहां ये तीनों चारों शब्द, इनके मतलब एक ही है, चाहे वो बाण है, चाहे वान है, चाहे वाण है, चाहे वान है। मतलब क्या है? मतलब होता है वान का जो घाव कर दे, जो घायल कर दे, जो पाप कर्म हो, या जिसको तृष्णा बोलते हैं, तड़हा बोलते हैं, क्रेविंग बोलते हैं, उसका यहां पुरानी भाषा में बुद्ध से पहले इसको वाण बोलते थे। यानी वाण जो है, घायल करने वाला जो एरो जिसको बोलते हैं, तीर बोलते हैं, तीर बाद में बना है क्योंकि वो घायल करता था, वो दुष्कर्म करता था, इसलिए उसको भी वाण कहने लगे। मगर वाण का मतलब होता है क्रेविंग, तृष्णा, या ऐसा जो पाप कर्म आपके अंदर घुसते, उसको वान बोला गया है। तो जो व्यक्ति वान वाला होता है, जिसमें वान होते हैं, जैसे भंगवान, भगवान बुद्ध को बोलते हैं भंगवान। भंगवान का मतलब है कि जिन्होंने भंग कर दिया वान सारी तृष्णा को, सारी क्रेविंग को, सारी बुराइयों को, उनको भंगवान बोलते हैं। जैसे धनवान, यानी धन का जो बुराई है सारी सारी, अगर कोई उसको भंग कर दे तो वो धनवान हो गया। एक हो गया बलवान, बलवान का मतलब है कि बल के जो अहंकार की बुराई को खत्म कर दे, वो बलवान हो गया। तो इस तरह से वान चलता है। वान का बाद में वंतु बना, फिर मंतु बना, यानी वान वंतु और मंतु एक ही है, जैसे बलवंतु या भगवंतु या मंतु शब्द आता है। तो जो वान रखते हैं, बुराई रखते हैं, अगर वो ना रखें तो पाली पाली भाषा में उनको कहते हैं नीवान, यानी कि अगर इनके पास में कोई बुराई नहीं है, कोई इनके पास में वाण नहीं है, कोई इनके पास में घाव नहीं है, ये शुद्ध हो गए, इनके पास क्रेम नहीं है, तो उसको बोलते हैं निबाण। और निबाण को पाली के अंदर, क्योंकि दो शब्द जोड़े गए हैं, तो बोलते हैं निबाण, निबाण या निबाण, ये दो शब्द चलते हैं। और अगर पूरी तरह से कोई निबाण को कहना चाहे तो कह सकता है परिनिबाण, और कोई बड़ा कहना चाहे तो कह सकता है महा, महावाने बड़ा, यानी महापरिनिब्बान, यानी बड़ा पूरी तरह से निब्बान। मगर जैसे मृत्यु होती है, कोई व्यक्ति अगर मर जाए तो हम ये कहेंगे मर गया, और हम कहें कि अब ये पूरी तरह से मर गया, और फिर हम बाद में कहें कि ये बड़ा पूरी तरह से मर गया, मर गया, यानी कि मच्छु है, मृत्यु है। तो मृत्यु होती है, चाहे वो कैसे भी मरे, तो पूरी क्या और अधूरी क्या और बड़ी क्या और छोटी क्या। ऐसे ही जो निपान शब्द है, निपान का मतलब होता है कि बुराई जिसने पूरी खत्म कर दी है। अब जिसने बुराई पूरी तरह से खत्म कर दी है, वो उसको निपान बोलते हैं। तो निपान का पूरा क्या, निपान का आधा क्या, निपान का बड़ा क्या और छोटा क्या, यानी जिसको निपान मिल गया उसको परिनिपान भी बोल सकते हैं, उसको महापरिनिपान बोल सकते हैं, और खाली निपान भी। तीनों शब्द बराबर अर्थ रखते हैं। निब्बान जो होता है, निब्बान व्यक्ति को जीते जी मिलता है,
मरने के बाद कभी कोई निर्वाण प्राप्त नहीं करता। यानी बुराई तो जीते जी खत्म करेगा, मरने के बाद कैसे बुराई खत्म करेगा, मरने के बाद तो मर गया। इसलिए निर्वाण जो प्राप्त होता है या परिनिर्वाण या महापरिनिर्वाण, तीनों सब एक है, तीनों में कोई अंतर नहीं है। अतिशयोक्ति लगा के या किसी को महिमा मंडित करके या पड़ा तड़ा करके दिखाने की कोशिश की जाए वो अलग बात है। बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था और निर्वाण अपने आप में पूरा होता है और बड़ा भी होता है, आप उसे कहें या ना कहें, निर्वाण शब्द ही पूरा पूरा अपने आप में भजनदार दमदार है। तो जीते जी उन्होंने अपने जितने क्रेविंग थी, जितनी उनकी तृष्णा थी, तणहा थी, जितने घाव थे, जितने पाप थे, वो दूर कर दिए, उनको निर्वाण प्राप्त हो गया। इसको निर्वाण भी बोलते हैं, निर्वाण भी बोलते हैं, और संस्कृत भाषा में निर्वाण बोलते हैं इसको। तो ये तो जीते जी की बात हो गई। अब कोई व्यक्ति अगर मर जाता है तो उसको क्या कहते हैं? हमारे यहाँ ये बात चलती है कि महापरिनिर्वाण हो गया। महापरिनिर्वाण नहीं होता, दरअसल जो मर जाता है वो निवृत्त हो जाता है, निवृत्त हो जाता है। वक्त का मतलब समझिए पहले क्या है। वक्त का मतलब होता है जो जिम्मेदारी है, जो कर्तव्य है, उसको वक्त बोलते हैं। यानी कि जो व्रत में है, बाद में इसको व्रत करने लगे, यानी जो वक्त में है, वक्त का मतलब जिम्मेदारी हो गई, जिम्मेदारी के घेरे में है, बंधा हुआ है, बंधन में है। तो कोई व्यक्ति अगर वक्त में है तो जिम्मेदारी में है और बंधन में है, और अगर वो उससे बाहर निकल गया तो वो निवृत्त हो गया। निवृत्त का मतलब है निवृत्त हो गया, अब जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। जैसे कहते हैं जी, हमने तो अपने लड़के लड़की की बच्चों की शादी कर दी, अब हम अपनी जिम्मेदारी से फारिग हो गए, निवृत्त हो गए, हम तो गंगा नहा गए, ऐसा बोला जाता है। तो व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी से जब पूरा हो जाता है तो उसको कहते हैं निवृत्त होना। कोई परिनिवृत्त हो तो उसका मतलब कहते हैं पूरी तरह से निवृत्त हो गया, जिम्मेदारी से मुक्त हो गया, और महापरिनिवृत्त हो गया तो कहते हैं कि बड़ी पूरी जिम्मेदारी से निवृत्त हो गया। मगर जब कोई व्यक्ति निवृत्त होता है तो वो तब होता है जब उसका शरीर बंद हो जाता है, मरना तो जिम्मेदारी चलती रहती है, क्योंकि निर्वाण तो लिया नहीं और बीच में जब तक शरीर छोड़ेगा निवृत्त होगा नहीं। तो मरने को बोलते हैं निवृत्त होना, यानी कि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। जो मर गया वो अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गया। इसलिए जो व्यक्ति मर जाते हैं उनको बोलते हैं निवृत्त या निवृत्त, पाली में निवृत्त और संस्कृत भाषा में निवृत्त। और परिनिवृत्त भी होता है पूरी तरह से, महापरिनिवृत्त हो गया या महापरि जो निवृत्त हो गया वो हो गया संस्कृत भाषा में। तो ये मरने के बाद होता है, यानी जब आप निवृत्त हो गए अपनी जिम्मेदारियों से तो वो हमेशा मरने के बाद हो गए, और निर्वाण हमेशा मरने से पहले लेंगे। अब आता है कि बाबा साहब अंबेडकर को बोधिसत्व महापरिनिर्वाण कैसे बोलते हैं? दरअसल बोधिसत्व का मतलब है जो बोधि के लिए सतत प्रयास करता हो। बोधिसत्व पाली का शब्द है, बोधि का मतलब ज्ञान के लिए और सतत प्रयास करने वाले व्यक्ति को बोधिसत्व बोलते हैं। संस्कृत भाषा में सत्व बोलते हैं, बोधिसत्व बोलते हैं। तो ये बिल्कुल क्लियर सा है कि आप किसी भी व्यक्ति को जो बोधि के लिए निरंतर प्रयास कर सकता है उसको बोधिसत्व बोल सकते हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर को क्या बोले? दरअसल बाबा साहब अंबेडकर को अब किसी को पता नहीं कि उन्होंने निर्वाण प्राप्त किया या नहीं किया। जिन्होंने निर्वाण प्राप्त करते हैं वो निर्वाण वाला व्यक्ति, जिसको निर्वाण प्राप्त होता है तो वो खुद जानता है, या कोई और व्यक्ति अगर किसी को निर्वाण प्राप्त है तो वो जानता है उसके बारे में। मैं तो जानता नहीं, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं जानता बाबा साहब अंबेडकर को निर्वाण प्राप्त हुआ या नहीं हुआ। मगर बाबा साहब अंबेडकर 5 दिसंबर और 6 दिसंबर की जो रात है, उस रात में उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां से मुक्त हो गए और उनकी सांस बंद हो गई, वो निवृत्त हो गए, निवृत्त हो गए, परिनिवृत्त हो गए, महापरिनिवृत्त हो गए, ये उनको कहा जा सकता है। इसलिए जो बाबा साहब के अनुयायी हैं, जो बाबा साहब को मानने वाले हैं, वो क्योंकि अपने जितने भी उपास्य होते हैं, जितने भी जो अन्नदाता होते हैं या जो ऐसे लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, जिन्होंने अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए बहुत कुछ किया हो, तो उनके अनुयायी उनको बड़ा चढ़ाकर अलंकृत करते हैं। उसमें वो अपना मान सम्मान भी मानते हैं और उनका भी मान सम्मान मानते हैं। इसलिए कोई विश्वरत्न कहता है, कोई बोधिसत्व कहता है। बोधिसत्व तो उनको बाकायदा श्रीलंका के अंदर बोला गया था, उपाधि दी गई थी, तब जाके उनको बोधिसत्व कहा गया, और बाकी सारे गुण उनके अंदर थे ही। निर्वाण के बारे में कह नहीं सकते हैं, क्योंकि निर्वाण का पता या तो उनको खुद होगा या कोई व्यक्ति जो खुद अर्थ हो और निर्वाण प्राप्त कर चुका हो वो चेक कर सकता है, साधारण आदमी चेक नहीं कर पाता। धन्यवाद। आप सभी से
ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धमकी वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम्म सबका है। हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। साधु साधु साधु।